शिमला शहर की सुंदरता बरकरार रखने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्षद लगातार साफ सफाई अभियान चलाए हुए हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने वार्ड से की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिमला के खलीनी वार्ड से पार्षद चमन प्रकाश की, जो आजकल लोगों को भी पर्यावरण को साफ रखने का संदेश दे रहे हैं। वहीं जानकारी देते हुए खलीनी वार्ड से पार्षद चमन प्रकाश ने बताया कि वन विभाग द्वारा मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन खलीनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को स्वच्छता और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के प्रति जागरूक किया गया, जिसमें विशेष रूप से नाटक के माध्यम से छात्र छात्राओं को जागृत किया गया। वहीं उन्होंने अपने वार्ड की जनता से भी वार्ड में साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया और भविष्य में इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर आम जनता को जागरूक करने की भी बात कही। मैं वार्ड नंबर 33 खलीनी का पार्षद, आज यहाँ खलीनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों के लिए वन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, आज परिवेश में हमारे जो है कूड़ा करकट लोग कैसे फैला रहे हैं, जगह जगह पे उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, जंगल में फेंक रहे हैं, तो इससे जो हमारा इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हो रहा है। तो ये एक प्रोग्राम आरओ वन मंडल द्वारा रखा गया था, तो इसमें मैं शिरकत की है अभी और बच्चों को अवेयर किया है कि जैसे बच्चों को छोटे से मतलब हमने सिखाया कि प्लास्टिक का यूज़ ना करें, और जो ये रैपर है टॉफ़ी के और इस तरह के कोई कूड़ा फेंकता है तो उसकी कंप्लेंट हमें करे, तो इससे जो है एक हमारा जो इन्वायरमेंट है बिल्कुल इस पे फ़र्क पड़ रहा पर्यावरण पे। आज देखते हैं आपकी भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मियों में हाँ मतलब ठंडी हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है, और गर्म जब बरसात होती तो ड्राइनेस हो जाती, ये सारा जो पर्यावरण का है इसकी वजह से हो रहा है। तो इसलिए हमें जो है लोगों से यही अपील करता हूँ कि एक एक पौधा लगाए और अपने पर्यावरण को साफ रखे और एक दूसरे को जागरूक करे। डोर टू डोर हमने यहाँ कूड़ा उठाने वाले लगाए हैं, अगर वो नहीं आते हैं कोई कूड़ा फेंकता तो उसकी शिकायत हमें करे। हम चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण बिल्कुल साफ रहे, सरकार इतनी जागरूक है, जो बीमारियाँ फैल रही है आज वो बीमारियाँ इन कूड़ा करकट की वजह से, जो हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हम सारे जो खाद्य पदार्थ है वो रैपर यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक के पॉली बैग्स यूज़ कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को छोड़ के हमें जो है अपने पुराने उस पर आना चाहिए, जूट के बैग यूज़ करने चाहिए और जगह जगह गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। बंदरों से भी इसका हाँ वो हो रहा है और पौधे घटते जा रहे हैं, तो मेरी सबसे यही अपील रहेगी वार्ड नंबर 33 के लोगों से कि एक तो पेड़ लगाए, किसी के जन्मदिन पे पेड़ लगाए, बच्चों को भी यही सीख दे, और पानी के स्रोतों के आसपास जो लोग सामग्री फेंक रहे हैं पूजा पाठ की, वो भी उससे जो है नुकसान हो रहा है पर्यावरण को। तो हम चाहते हैं कि भी सभी लोग जो है सफाई की और विशेष ध्यान दें, कूड़ा करकट ना फेंके और एक पौधा लगाए, पर्यावरण को सुरक्षित रखे। पर्यावरण जितना हरियाली होगी उससे हमारा पर्यावरण बचेगा और हमारा जो है हमारे बच्चों का जीवन जो है सुरक्षित रहेगा।